सलमान खान और कटरीना कैफ की दोस्ती आप सबके सामने छुपी नहीं है। कई लोग आज भी उन्हें कपल भी समझते हैं, हालांकि ये बात अब पुरानी हो चुकी है। सलमान खान और कटरीना कैफ किसी समय एक रिश्ते में थे, लेकिन एक समय दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अपने अपने पार्टनर्स के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगे। इसके चलते दोनों के बीच कड़वाहट भी पैदा हो गई थी। ब्रेकअप होने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्मों में काम करने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन जब से कटरीना का रणबीर से ब्रेकअप हुआ था, तभी से कटरीना को संभालने के लिए जा पहुंचे दबंग खान। वैसे ये सलमान की दोस्ती थी या कटरीना के लिए उनका छिपा हुआ प्यार दोबारा उभर आया, इस सवाल का जवाब तो सलमान के अलावा कोई नहीं दे सकता। लेकिन कहते हैं ना, इश्क छुपाए नहीं छुपता। वैसे ही सलमान और कटरीना के बीच का रिश्ता दे रहा है फैंस को एक उम्मीद, लेकिन डर भी है कि कहीं पहले की तरह सलमान कटरीना के प्यार में ना हो जाए फिर से छोटे बच्चे की तरह ढीठ। जैसे कि सब जानते हैं, सलमान और कटरीना की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म भारत भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है, लेकिन एक बार फिर से दोनों के अफेयर की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मीडिया से हुए एक इंटरेक्शन में जब कटरीना कैफ से इस बारे में पूछा गया, तब कटरीना कैफ ने कहा कि हम दोनों अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं और हम दोनों अब बस अच्छे दोस्त हैं। इस मौके पर कटरीना कैफ ने सलमान खान की सराहना भी की और उन्हें एक मजबूत दोस्त बताया। कटरीना कैफ ने आगे बताया, 16 साल से हम एक दूसरे के दोस्त हैं। वह एक सच्चा दोस्त है, जब आपको जरूरत होती है तब वह आपकी मदद करता है। भले ही वह आपके संपर्क में ना हो, लेकिन वह आपकी पीठ पीछे भी निगरानी रखता है। वह आपके साथ संपर्क में नहीं भी होंगे तो भी वह दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं। कटरीना के इन बातों से इसके चलते सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच के अफेयर की खबरों पर एक बार फिर फुल स्टॉप लग गया है। कटरीना कैफ जल्द अक्षय कुमार के साथ फिल्म सूर्यवंशी में नजर आएंगी, वहीं सलमान खान फिल्म दबंग 3 में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज होने वाली है। सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 13 की शूटिंग में व्यस्त हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कटरीना ने ये जो बयान दिया है वो कितना सच्चा है और कितना झूठा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।